हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम यू ऑल अगेन टीपीटीसी क्लासेस। तो पिछले सर्वे के लेक्चर्स में अपन बात कर रहे थे स्केल के बारे में, ठीक है। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ स्केल। स्केल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है प्लेन स्केल, है ना। प्लेन स्केल यानी कि टू डिजिट स्केल। अभी इससे पहले वाले स्केल वाले लेक्चर्स में आपने पढ़ा था स्केल क्या होता है। स्केल इज इक्वल टू मैप डिस्टेंस डिवाइड बाई ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है, ये होता है स्केल। तो ये जो था प्लेन स्केल, वो सिर्फ दो डिजिट को ही मेजर कर सकता है, ठीक है, 1.11, 1.2 ऐसा करके। और डायगनल स्केल तीन डिजिट। डायगनल स्केल में ही एक पार्ट होता है वर्नियर स्केल। क्या होता है? वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल की छोटी सी डेफिनेशन है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वर्नियर स्केल मेन स्केल की सेकेंडरी यूनिट होती है। इसका यूज़ एग्जैक्ट मेजरमेंट हेतु किया जाता है। यानी कि जो आपका वर्नियर स्केल है, ये एक प्रकार का होता है मेन स्केल की सेकेंडरी यूनिट ही होती है। और इसका उपयोग क्या करते हैं, हम एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए करते हैं। किसका उपयोग? वर्नियर स्केल का उपयोग। देखिए, ये हो गया प्रकार का वर्नियर स्केल, ठीक है। आप लोगों ने ये स्केल देखा ही होगा पहले, ठीक है। तो इसमें मेन स्केल और इसके साथ में वर्नियर स्केल दिया हुआ है, इसका उपयोग करेंगे हम एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए, ठीक है। ये तो मैंने इससे डायग्राम आपको दिखाया है, ठीक है, आप नेट से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये तो वर्नियर स्केल। तो बेसिकली वर्नियर स्केल का क्या मुख्य कार्य है कि ये मेन स्केल के साथ होता है और ये एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है ना। ये इसका मेन मकसद, ठीक है। तो अब देखिए, वर्नियर स्केल क्या करता है, अप टू थ्री डिजिट, तीन डिजिट तक मेजरमेंट ये कर सकता है, ठीक है। वर्नियर स्केल फर्दर दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट वर्नियर और एक होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल। वन इज डायरेक्ट वर्नियर, अदर इज रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल, ठीक है। अब ये दोनों क्या होते हैं, हम इसको समझते हैं। देखिए, फर्स्ट डायरेक्ट वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की डायरेक्शन में मेन, देखिए ये है डायरेक्ट वर्नियर स्केल। डायरेक्ट वर्नियर स्केल में क्या होता है, जो अपना होता है वर्नियर स्केल, ठीक है, इसकी जो होती है डायरेक्शन वो मेन स्केल की दिशा में ही होती है। यानी कि इन दोनों का जो डायरेक्शन है मेजरमेंट का, वो मेन स्केल की दिशा में ही होता है। सपोज अगर हम मान लो रीडिंग हम मेन स्केल की यूं नाप रहे हैं, तो वर्नियर भी इसी डायरेक्शन में ही रहेगा, ठीक है, दोनों की दिशाएं सेम रहेगी, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखिए कि एन माइनस वन डिविजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू एन डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है ना। ये कैसे, देखिए आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो एक बार। देखो जैसे कि ये नीचे वाला जो स्केल है, ये वाला, ये मेन स्केल है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है 5 और यहाँ पे दिख रहा है 6, ठीक है। इस 5 और 6 को मैंने क्या किया है, मैंने इसको 10 डिवीज़न में डिवाइड किया है। इसको 5 से 6 कोई मेजरमेंट लिया, इसको मैंने 10 डिवीज़न में डिवाइड किया। देख 10 का इसका 1 कहाँ से, इसका 1 ईयर, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9 एंड 10 ही हो गया, ठीक है। तो ये पूरा, ये कौन सा जो मैं लाल डॉट दिखाया आपको, ये वाला, ये 5.1 मान लो, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और ये 6। तो ये 10 इक्वल डिवीजन में इसको डिवाइड किया, किसको, 5 और 6 को किया है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, 5 और 6 को मैंने 10 इक्वल डिजिट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो कहेंगे 5 और 6 के बीच में कितने, ये 10 डिवीजन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है ना। दीज आर द 10 डिवीजन्स बिटवीन 5 एंड 6, ठीक है। अब ये बोल रहा है, देखिए, एन माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। अब देखिए, ये आपको दिख रहा है 5 और ये रहा 5.1, इसके बीच में ये दिख रहा है S, ये क्या अपना मेन स्केल का, क्योंकि ये देखिए 5 और 5.1 के बीच में ये जो S दिख रहा है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये हो गया मेन स्केल का। ये बोल रहा है n माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि इससे कुछ कम करेंगे वो होगा n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। कहने का मतलब ये है कि आपने, और बेसिकली क्या होता है,
वर्नियर स्केल और मेन स्केल बीच में होता है ना, जो बीच में डिवीजन वो 0.1 का होता है लमसम, 0.1 का, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि एन माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि ये बोल रहा है कि सपोज यहाँ से यहाँ के बीच में ये एस दिख रहे तो ये हो गया मेन स्केल का, तो वर्नियर स्केल क्या होगा इसमें एन माइनस वन, सपोज वो कुछ 0.1 है, कुछ 0.1 है, तो अगर माइनस वन माइनस 0.1 करो कितना होगा 0.9। तो देखिए यहाँ से 0 से 1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 8 0.9 ये रहा। तो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला ये स्मॉल v, ये है वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट। फिर 0.1 का डिफरेंस है, अगली बार आप इस वाले में आओगे तो ये भी कितना 0.9, फिर माइनस करोगे तो 0.8, फिर माइनस 0.6, फिर 0.7, 0.5 देखो बीच में आ गया, फिर 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 और लास्ट में 0। तो देखिए इसका जो डिवीज़न है 5 to 6, उसके 9 डिवीज़न में ही वर्नियर के 10 डिवीज़न आ गए, इसलिए बोल रहा है n माइनस 1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, 10 में से 1 गया 9 इज इक्वल टू n डिवीज़न ऑफ मल्टीपल स्केल 10, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। जो ये बड़े वाले रेड हैं ये कौन से, ये अपने 5 वाले, ठीक है ना, समझ गया आप। ये जो दिख रहे हैं ये 5 to 6 हो गया, इसको मैंने ये जो रेड वाल लाइन है ना इसको मैंने 10 इसको में डिवाइड कर लिया है, और ये एस है मेन स्केल का जो डिफरेंस है वो, और लिस्ट काउंट क्या होगा इसका, सॉरी एन माइनस वन ऑफ मेन स्केल, यानी कि अगर डिफरेंस इनका 0.1 का है तो यहाँ से आता कितना 1, 5 से 5 मिनट हो गया ना, तो 0.1 0.2 0.3 से जोड़ के मिला के बना गया, इसको 0 से 1 मान लो अगर, तो 1 माइनस 0.1 करोगे तो 0.9 यहाँ पे, फिर 0.2 अगला, फिर 0.2 हो जाएगा, ऐसे करते 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 धीरे धीरे यहाँ पर 0 पहुँच जाएगा ये, ठीक है। तो ये बोलता है कि ये मेन स्केल था और ये वर्नियर स्केल, तो n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल s इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो v क्या होगा n माइनस 1 डिवाइड बाई n इंटू s, ठीक है। और हमारा जो होगा लिस्ट काउंट एल सी दैट इज एस माइनस वी, एस माइनस वी टी मेन स्केल का, और लिस्ट काउंट इसको सॉल्व करोगे तो आएगा हमारा आंसर एस अपॉन में, ये हो गया कौन सा स्केल हमारा डायरेक्ट वर्नियर, ठीक है। सेकंड हमारा है आप रेट्रोगेट वर्नियर, देखिए इसमें उल्टा है, ये क्या बोलता है इसमें क्या हो जाएगा एन प्लस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये पॉइंट सपोज हमारा मान लो ये है 6 और ये है 7, मान लो इस 6 और 7 को 10 हिस्सों में डिवाइड किया है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 6 है इसको मैंने 10 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो देखिए इसका एक हिस्सा ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 8, और ये हो गया हमारा आगे वाला, ठीक है। अब देखिए 6 to 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, अब 6 से पीछे भी होगा, 6 से पीछे यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, 6 से पीछे क्या होगा यहाँ पे 5 होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पर 6 से पीछे कहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 6 से पीछे कहीं होगा 5, ये होगा हमारा मान लो 5, तो फिर 5.1 5.2 5.3 ऐसे करके 5.9 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें क्या है n प्लस 1, अब इस पहली बात ध्यान रखना कि डायरेक्शन ऑफ वर्नियर स्केल अपोजिट डायरेक्शन टू मेन स्केल, यानी कि अगर मेन स्केल यहाँ चल रहा है तो वर्नियर कहाँ चलेगा इस तरफ चलेगा, और जबकि उसमें क्या था डायरेक्ट में दोनों की डायरेक्ट में दोनों की दिशाएँ क्या सेम थी। अब देखिए ये यानी कि अगर मान लो प्लेन स्केल और वर्नियर स्केल में डिफरेंस 0.1 का है, देखिए यहाँ से ये चलेगा अपोजिट, यानी ये हमारा मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल, तो 6 से 7 के बीच में 10 डिवीजन हो गए। अभी क्या ये 0.1 आगे चल रहा है, एक स्टेप आगे चलेगा, तो देखिए हमारा 9 था तो इसमें 0.1 यहाँ हो गया, इसका पहला पॉइंट डिजिट ये, अगले
पॉइंट वन और पॉइंट वन जुड़ेगा तो पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव देखो बीच में आ गया एकदम सेंटर में आया फिर पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन पॉइंट एट पॉइंट नाइन और यहाँ पे दस यानी कि एन प्लस वन यानी इसके देखो क्या था छः से सात के बीच कितने हो गए दस डिजिट हो ये प्लस ये ग्यारह यानी ग्यारह में उसे कितने हैं दस यानी कि एन प्लस वन डिजिट ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू एन डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल इसमें रेट्रोग्रेड वर्नियर में होता है इसमें ठीक है तो आगे देखते हैं इसमें एन प्लस वन एस इज इक्वल टू एन इन टू वी लिस्ट काउंट अगेन वही वी माइनस एस करोगे लिस्ट काउंट दोनों का सेम ही आएगा ठीक है लिस्ट काउंट हो गया एस अपॉन एन ठीक है अब एक छोटा सा क्वेश्चन है उससे पहले नोट देख लीजिए कई बार किताबों में दे रखा है एक होता है एक्सटेंडेड वर्नियर इसको एक बस एक पढ़ लेना चाहते थे इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पर कई बार एग्जाम में आ जाए तो आप ऐसा ना कहें सर आपने बताया नहीं तो एक होता है एक्सटेंडेड वर्नियर एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू टू एन माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल ठीक है ना एक स्टेटमेंट है इसको समझ लेना ये क्वेश्चन दे रखा है मैंने ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे हिंट मैंने आपको दे दिया है ठीक है ना और इस क्वेश्चन को पढ़ना और एक अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है काफ़ी टाइम इसका आंसर बताना आप क्या है कमेंट बॉक्स में ठीक है फिर हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिस्टेक एंड एरर्स देखिए मिस्टेक और एरर मिस्टेक क्या होता है मिस्टेक ऐसी गलती मान लो ऐसी गलती जो हम सावधानी नहीं रख के करते थे जैसे कि मान लो कि आपको बोला मैंने आपको ट्राइपॉड पे कोई रीडिंग वीडिंग लेनी है ना या सपोज़ आप ऐसा कोई फील्ड बुक भर रहे हो बना के आपे ठीक है तो आप एक होता है मिस्टेक एक होता है एरर मिस्टेक में क्या होता है कि सपोज़ आपने कोई रीडिंग आपने वन नोट की फाइव और यहाँ फील्ड बुक में भर दिया आपने पंद्रह तो ये आपने क्या किए मिस्टेक किए मिस्टेक कई कारण हो सकते हैं लापरवाही बरती आपने आपका जजमेंट पुअर है आपको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है ठीक है किसी की आंखें कमज़ोर होती हैं ठीक कोई रीडिंग लेते समय किसी को गुस्सा है या किसी के इमोशंस क्या हो रहे हैं तो ये सब चीज़ें होती है किसमें मिस्टेक में ठीक है ना और मिस्टेक में क्या है सावधानी हटी दुर्घटना घटी ठीक है तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम ऐसे कह सकते हैं कि लापरवाही है या कोई ऐसा कुछ है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते कोई गलती की है इसका कंट्रोल क्या होगा इसका कंट्रोल ये हो सकता है कि इस मिस्टेक को फाइंड आउट करो उसको रिमूव करो और तो कोई इसका है नहीं करेक्शन तो मिस्टेक यानी कि जो कई कारणों से हो सकती है समझ में नहीं आ रहा जजमेंट नहीं है केयरलेसनेस है ठीक है ये सब कारण है मिस्टेक के नेक्स्ट हमारा एरर ठीक है इस लाइन को समझिए मिस्टेक से एरर नहीं होती है अब आप बोलोगे सर एरर तो होगी ना क्योंकि मिस्टेक होगी तो एरर तो होगी लेकिन ये इस लाइन का मतलब ये कह रहा है कि भाई मिस्टेक आपने जो चीज़ कर दी है वो आपकी गलती है एरर जो है वो और कारणों से होती है ठीक है ना मिस्टेक तो आपने की है तो वो एरर नहीं है जबकि एरर इंस्ट्रूमेंट की फिजिकल कंडीशन से होती है ठीक है समझ गई बात को यानी कि मिस्टेक्स तो ह्यूमन मान लो नेचर और एरर मान लो आप इंस्ट्रूमेंट को ऐसा मोटा मोटा सा मान लो तो अगर व्यक्ति ने गलती की तो मिस्टेक में आएगा और अगर ह्यूमन नेचर में गलती की तो वह आएगा उसमें एरर में आ जाएगा ठीक है एरर फिजिकल कंडीशन जैसे कि लाइन ऑफ साइट टेम्परेचर के रीडिंग के दौरान उससे भी गलती हो सकती है ठीक है ठीक है अब देखिए एरर क्या होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू नापी गई वैल्यू में से अगर ट्रू वैल्यू माइनस करके तो एरर मिल जाएगा हमें और करेक्शन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू उसे हमें मिल जाएगा करेक्शन ठीक है अब देखिए एरर वैसे दो प्रकार की होती है एक होती है सिस्टमेटिक एरर और एक होती है रैंडम एरर देखो सिस्टमेटिक को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव एरर भी बोल सकते हैं क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है ये जो होती है ना सिस्टमेटिक एरर ये कोई पाथ या कोई पैटर्न फॉलो करती है जैसे कि मान लो यहाँ से ये लाइन है अगर यहाँ इस लाइन में मान लो आप बोल दो अगर 2 mm का इस लाइन में ढाल है तो हर पॉइंट पे ज़्यादा आप लोगे रीडिंग तो 2 mm का ढाल आता जाएगा यानी कि एक ऐसी चीज़ है जो एक पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो कर रही है यानी कि उसी के अकॉर्डिंग होएगी वो ठीक है ये एक
सेम सिस्टम फॉलो करती है, एक पैटर्न फॉलो करती है, ठीक है। और इन्हें हम इजीली हटा भी सकते हैं क्योंकि हमको पता लग जाएगा कि ये दो दो mm का अगर मान लो डाल है, दो दो mm ऊंचा हुआ है, तो हम उसको हटा सकते हैं, हमें पता लग जाएगा ना। रैंडम एरर जब की क्या होती है, इसे बोलते हैं एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं। एक्सीडेंट रैंडम, रैंडम मतलब क्या होता है, तितर बितर करना, ठीक है। तो ये ऐसी होती है जो मोस्ट फ्रिक्वेंट होती है, कभी एरर है ही नहीं, कभी बहुत ज़्यादा है, कभी फिर नहीं है, कभी कम है, कभी तेज़ है, कभी कम, कभी तेज़, कभी ऐसा, इस तरह से, ठीक है। लेवलिंग के में रैंडम एरर होती है, वो होती है अंडर रूट में पावर में एल, ठीक है, रूट एल, ठीक है। तो एक ही छोटा सा इसी का पार्ट था। तो अभी हमारा जो चैप्टर वन है फंडामेंटल ऑफ सर्वे, वो ख़त्म हो चुका है। चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे लीनियर सर्वे, उससे के पहले जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, देखिए टोटल आप बात करेंगे तो 13-14 पेजेस में हो गया है हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म। देखिए इसमें एक्चुअली क्या, सर्वे में ऐसा आप पढ़ोगे तो बहुत सारा है, लेकिन अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक, सर्वे जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है, उसकी अपने छोटी सी क्विज रखेंगे ताकि आपको पता लग जाए कितना आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसको रिवाइज कर लेना, क्विक रिविज़न हो जाना चाहिए इसका, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।